Check Disk is a Windows built-in tool that scans your hard drive for corrupted files, repairs bugs and errors, and cleans up disk space to maintain your PC's health. Use this tool when your PC is slow due to an almost full or failing hard drive. अब हम लोग ओपन करने वाले हैं चेक डिस्क को फाइल एक्सप्लोरर के थ्रू। तो सबसे पहले आपको माय कंप्यूटर खोलना है और कोई भी एक हार्ड ड्राइव पे आपको प्रॉपर्टीज में जाना है। उसके बाद जाने के बाद यहाँ टूल सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर चेक डिस्क फॉर एरर्स वाले ऑप्शन पर जाना है। तो यहाँ पर आप स्कैन एंड रिपेयर कर सकते हैं। दरअसल यही है एक चेक डिस्क वाला है जो कि आप फाइल एक्सप्लोरर के थ्रू खोल सकते हैं और डायरेक्टली अपने पीसी का कोई भी आपका पार्टीशन हो उसे आप स्कैन करके रिपेयर कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपका सिर्फ और सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट से होता है। तो जब ये रिपेयर हो जाता है तो इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ लॉग पे देख पाएंगे, क्या इसमें एरर फाउंड हुआ या फिर नहीं हुआ। तो सारे डिटेल्स यहाँ पर कैप्चर हुए रहते हैं उस प्रोसेस के दौरान, जो भी आपका एरर वगैरह होता है, साइज कैलकुलेशन से लेकर कुछ भी सिस्टम एरर या बोल सकते हो आप हार्डवेयर एरर, तो वो सारे इसमें डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कोई एरर है नहीं, तो यहाँ पर आपका मेंशन किया हुआ रहेगा। अब चलिए हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके देखते हैं। तो सबसे पहले सर्च में जाना है, सीएमडी लिखना है और उसे रन एट एडमिनिस्ट्रेटर खोल लेना है। एडमिन में परमिशन देके आप खोल लीजिए। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर कोई चेक डिस्क खोल लेना है और यहाँ पर नीचे में आपको प्रॉम्प्ट देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे चेक डिस्क, क्योंकि ये सी ड्राइव ऑटोमेटिकली आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुला हुआ है तो चेक डिस्क आपका सी ड्राइव ही लेगा शुरू में। तो अगर आपको दूसरा ड्राइव को करना है तो आप लेटर डाल के आप कर सकते हैं। नीचे आपको प्रॉम्प्ट देखने को मिलेगा किस तरह आपको टाइप करना है। जैसे यहाँ कोई भी एरर नहीं होता है तो यहाँ पर आपको शो कर देता है कि इस ड्राइव में कोई भी एरर नहीं है। और नीचे हम देख सकते हैं चेक डिस्क और एफ करेंगे तो यहाँ बग्स और एरर को हेल्प करता है फिक्स करने के लिए, अगर वो आप कमांड प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे तो। और यदि आपको सेक्टर्स वगैरह फिक्स करें तो चेक डिस्क स्लैश आर आपको टाइप करके एंटर मारना होगा, तब जाके ये सारे प्रॉम्प्ट्स बहुत काम आएंगे। तो यहाँ चेक डिस्क स्लैश एक्स ये आपको देखने को मिला, डिस्कनेक्ट कर देगा आपका ड्राइव को और उसके बाद स्कैन करके फिक्स कर देगा। ये आप सारे कमांड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सारे तभी यूज़ करें जब आपका हार्ड ड्राइव में कोई एरर वगैरह फाउंड होता है, तो ही आप इन सभी कमांड का यूज़ करिएगा। तो यही आप लोगों के लिए बेहतर चॉइस होगा। और यहाँ पर आप कमांड प्रॉम्प्ट की तरह सिंपली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोई ड्राइव है नहीं, अगर आप दूसरे ड्राइव में रिपेयर करने की कोशिश करेंगे तो वो होगा नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है, जो भी ड्राइव कनेक्टेड है उसी ड्राइव को आप रिपेयर कर सकते हैं और अपना बग्स को फिक्स कर सकते हैं। और अगर आपको रिकवरी पेज या इंस्टॉलेशन मीडिया के थ्रू करना है तो ये कमांड लिखिए, आपका रिकवरी या ट्रबल शूट पेज पे चला जाएगा, कुछ जो कि कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। अगर ये नहीं होता है तो आप सिंपली पावर बटन पर रिस्टार्ट वाला बटन है उस पर आप शिफ्ट बटन दबाए रखिए, उसके बाद रिस्टार्ट पे क्लिक करिएगा, तब जाके ये दोबारा से आपका ओपन हो गई है रिकवरी पेज, जहाँ पर सबको ट्रबल शूट में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट नीचे में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करके आप कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए आप रिपेयर डिस्क कर सकते हैं। तो यही तीन चार मेथड से आप कमांड प्रॉम्प्ट खोल के आप रिपेयर कर सकते हैं हार्ड ड्राइव को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तब तक मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा। टिल देन बी हेल्पफुल एंड हेल्प अदर्स। गुड बाय।